हेलो क्लास 5th स्टूडेंट बच्चों, आज हम आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, कांच का छाता। ये जो आपका चैप्टर है कांच का छाता, ये एक वैज्ञानिक लेख है और इस पार्ट में कांच के छाते और उससे हुए कारनामों का विवरण किया गया है। मतलब कांच के छाते के बारे में बताया गया है, ये एक आविष्कार था। पाठ की ओर से क्या है देखते हैं। शीर्षक के आधार पर कहानी से जुड़े दो अनुमान बताइए। ठीक है, आप अनुमान लगाइए शीर्षक के आधार पर कांच का जो छाता है उसके बारे में, और कहानी के चित्र देखिए और साथी के साथ चर्चा कीजिए कि चित्रों में क्या हो रहा है। ये देखिए, जिन जिन के पास बुक है, जिन बच्चों के पास, वो अपने बुक में सारे पिक्चर देखिएगा ये, और अनुमान लगाइए कि क्या हो रहा होगा कहानी में। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। रिंपू के दादाजी एक वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक मीन्स जो विज्ञान की खोज से संबंधित काम करने वाला होता है वो। ठीक है, आइए पहले सब शब्दार्थ देख लेते हैं, है ना। आविष्कार मीन्स खोज, प्रयास मीन्स कोशिश, अभिशाप मीन्स श्राप, फिर है कार्यभार मीन्स काम की जिम्मेदारी, मायूस मीन्स उदास, यंत्र मीन्स उपकरण, गर्जन मीन्स तेज आवाज। नेक्स्ट है पश्चाताप मीन्स पछतावा। तो चैप्टर शुरू करते हैं। पिंपू के दादाजी एक वैज्ञानिक थे। पिछले 2 वर्षों से वे अपने कमरे में कुछ कर रहे थे, पर वे क्या कर रहे थे इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। जानता भी कैसे, दादाजी के कमरे में किसी को भी जाने की आज्ञा नहीं थी। रिंपू के दादाजी कौन थे? वे स्वयं भी बहुत कम अपने कमरे से बाहर आते थे। रिंपू के दादाजी कौन थे? एक वैज्ञानिक थे। वो अपने कमरे में किसी को आने नहीं देते थे और वो भी कमरे से बहुत कम बाहर जाते थे। ठीक, वे जब भी बाहर आते रिंपू उनके कमरे में जाने की जिद करता था। दादाजी उसे समझाते कि वे एक आविष्कार पर कार्य कर रहे हैं, है ना। ऐसे में उसका उस कमरे में जाना सुरक्षित नहीं, पर रिंपू को दादाजी की बातें अच्छी नहीं लगती थी। वह कई बार छिपकर भी उनके कमरे में जाने का प्रयास कर चुका था, है ना। कोशिश, प्रयास मीन्स कोशिश, मतलब वो बार बार जाने की कोशिश करता था। उसको मना करते थे तब भी वो बार बार जाता था। कौन? वो उनका जो पोता था ना, छोटा सा रिंपू नाम का वो, पर हर बार पकड़ा जाता और उसे दादाजी का भाषण सुनने को मिलता। तुम अभी बहुत छोटे हो, न तो तुम मेरे कमरे में आ सकते हो और न ही किसी चीज को छू सकते हो। विज्ञान हमारे लिए वरदान बनेगा या अभिशाप, ये उसके प्रयोग पर निर्भर करता है, उसके प्रयोग पर ही निर्भर करता है। अभिशाप मीन्स श्राप। आज रिंपू के दादाजी को एक फोन आया था। फोन रखते ही उन्होंने अपना सामान एक बक्से में डाला और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जाते जाते बस इतना कह गए कि 2 दिन में लौट आऊंगा। दादाजी के जाने के बाद रिंपू जड़ से उनके कमरे की ओर भागा, पर माँ ने उसे देख लिया और वहां न जाने की सख्त हिदायत दी। रिंपू दादाजी के आविष्कार को देखने जाता था, उसका प्रयोग करना चाहता था, पर वह माँ की बात भी नहीं टाल सकता था। जैसे ही दादाजी बाहर गए तो रिंपू ने क्या करा कि उनके कमरे में जाने की कोशिश करी, लेकिन माँ ने उसको मना कर दिया। माँ ने रिंपू को क्या हिदायत दी थी? माँ ने रिंपू को हिदायत दी थी कि उनके दादाजी के कमरे में नहीं जाना। उसी शाम लगभग 7 बजे माँ के पास नानी का फोन आया। नाना जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए घर के सभी लोग वहां के लिए रवाना हो गए। अगले ही दिन रिंपू की परीक्षा थी, इसलिए उसे अपने साथ नहीं ले गए। जाने से पहले माँ ने रिंपू को अपना व घर का ध्यान रखने का कार्यभार सौंपा। कार्यभार सौंपना मीन्स कोई भी जिम्मेदारी देना, है ना, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसकी माँ जो थी, रिंपू की माँ, नानी के यहाँ जाने वाली थी, तो उसने रिंपू को बोला कि तुम्हारे ऊपर घर की जवाबदारी है और तुम घर से बाहर नहीं जाओगे और घर का ध्यान रखोगे। ठीक, रिंपू परिवार वालों के साथ क्यों नहीं गया था? क्योंकि उसकी एग्जाम थी। ठीक, सभी के जाने के बाद रिंपू दादाजी के कमरे की ओर गया। उसने दरवाजा खोलना चाहा, पर उसे ताला लगा था, वहां पर ताला लगा था। वह देख रिंपू मायूस हो गया, मतलब उदास हो गया, है ना। तभी उसका ध्यान कमरे की खिड़की की ओर गया। रिंपू ने जैसे ही उसे छुआ तो वह खुल गई।
खिड़की को खुला देख रिंपू के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बिना वक्त गवाए उस खिड़की से होता हुआ कमरे में प्रवेश कर गया। कमरे में पहुंचकर रिंपू यहाँ वहां देखने लगा। दादाजी के कमरे में छोटी बड़ी बहुत सी मशीनें व कलपुर्जे बिखरे हुए थे। रिंपू जानता था कि कमरे में कहीं दादाजी का कोई नया आविष्कार छुपा होगा। तभी उसकी नजर अलमारी के किनारे पड़ी एक चमकदार वस्तु की ओर गई। रिंपू ने पास जाकर देखा तो वह एक छाता था। वह कोई आम छाता नहीं था, वह कांच का छाता बना था। वह कांच का बना था उसे और उसे नीला प्रकाश निकल रहा था। चित्र बने हुए थे। रिंपू समझ गया कि कोई मामूली छाता नहीं है। वह जानना चाहता था कि आखिर इसकी क्या विशेषता है। छाते को समझने के लिए रिंपू ने छाते को खोला। छाते को खोलते ही बहुत तेज बिजली कड़की। रिंपू सोचने लगा कि मई के महीने में राजस्थान जैसे गर्म स्थान पर बिजली कैसे चमक सकती है। तभी तेज हवा के साथ हल्की बारिश शुरू हो गई। रिंपू समझ गया कि हो न हो इस छाते का ही कमाल है। यह सोच रिंपू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद रिंपू ने छाते का एक और बटन खोला, देखा। उस बटन को दबाते ही बारिश की रफ्तार तेज होने लगी। यह देख रिंपू को बहुत आनंद आ रहा था। वह सोच रहा था, खुशी से नाच रहा था। आज उसके हाथ एक ऐसा यंत्र लग गया, यंत्र मीन्स उपकरण, जिससे वह जितनी चाहे उतनी बारिश करवा सकता था। रिंपू ने सोचा, क्यों ना मैं बारिश को थोड़ा और तेज कर दूं ताकि सड़क पर पानी इकट्ठा हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो स्कूल की भी छुट्टी हो जाएगी, साथ ही वह परीक्षा देने से भी बच जाएगा। रिंपू ने परीक्षा से बचने का क्या उपाय सोचा। उसने सोचा कि तेज बारिश कर दूंगा तो मुझे एग्जाम देने नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी तो मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा और फिर मुझे किसी की डांट भी नहीं पड़ेगी। तो यदि ऐसा हुआ तो स्कूल की भी छुट्टी हो जाएगी, साथ ही परीक्षा देने से भी बच जाएगा। बस फिर क्या था, उसने बारिश की गति को बढ़ाने वाले बटन को सबसे ऊपर कर दिया। उसके बाद भयंकर गर्जन के साथ बहुत तेज बारिश हुई, इतनी तेज कि कुछ ही मिनटों में रिंपू के घर के चारों ओर पानी इकट्ठा हो गया। पहले तो रिंपू को सब अच्छा लग रहा था, पर अब पानी बढ़ने लगा था। बारिश रोकने के लिए उसने छाते को बंद करने का प्रयास किया, पर छाता था कि बंद ही नहीं हो रहा था। अब एक तरफ छाता बंद नहीं हो रहा था और दूसरी तरफ घर के बाहर भरे पानी की मात्रा तेजी से बढ़ रही थी। पानी के साथ साथ रिंपू की बेचैनी भी बढ़ने लगी थी। रिंपू ने बारिश की गति को भी कम करने का प्रयास किया, पर उसमें कम करने का कोई बटन ही नहीं था। पानी की मात्रा इतनी अधिक हो गई थी कि कुछ ही पलों में उसका घर डूबने वाला था। रिंपू को स्वयं पर गुस्सा आ रहा था और वह सोच रहा था कि काश उसने माँ व दादाजी की बात मान ली होती, काश उसने यह छाता कभी न खोला होता। पर यह सब सोचने से अब क्या लाभ। रिंपू की छाते को बंद करने की हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी, उसका घर डूबने की कगार पर था। तभी न जाने रिंपू को क्या सूझी कि उसने छाते का दूसरा बटन दबा दिया, जिस पर बर्फ बनी थी। उसके बटन दबाते ही फिर से जोरदार बिजली कड़की और बारिश बंद हो गई। बारिश को बंद होता देख रिंपू की जान में जान आ गई। वह जानता था कि इस बारिश की वजह से क्या क्या हुआ। यह जानने के लिए रिंपू ने टेलीविजन चलाया। अभी रिमोट उसके हाथ में ही था कि रिंपू ठिठुरने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से वह कंपकंपी क्यों महसूस कर रहा है। ठिठुरन थी कि बढ़ती ही जा रही थी। रिंपू कंपकंपाता हुआ तेजी जैसे तैसे खिड़की के पास पहुंचा। ये देखो पिक्चर में दे रखा है ना। उसने खिड़की से बाहर जाकर देखा तो बारिश में जो पानी इकट्ठा हुआ था वह सब जम गया था। घर के चारों ओर बर्फ से मोटी परतें जम चुकी थी। रिंपू जानता था कि यह सब छाते के दूसरे बटन के कारण हो रहा है। गति तीव्र होने के कारण मौसम अपना भयंकर रूप दिखा रहा था। ठंड से रिंपू की हालत बहुत बुरी हो रही थी, पर अब भी वह छाता बंद नहीं हो रहा था। रिंपू को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसे अपने साथ साथ दूसरे शहर की चिंता भी सता रही थी। रिंपू के साथ साथ पूरा शहर गर्मी के मौसम में ठंड से कांप रहा था। दादाजी की बातें उसके कानों में गूंज रही थी, विज्ञान हमारे लिए वरदान बनेगा या अभिशाप, यह उसके प्रयोग पर ही निर्भर करता है। रिंपू के कारण यह आविष्कार अभिशाप का रूप ले चुका था। अब तक रिंपू समझ गया था कि अगर उसे जल्दी कुछ नहीं किया तो यह ठंड लोगों की जान ले लेगी। दादाजी की कौन सी बात रिंपू के कानों में गूंज रही थी कि ये वाली बात कि अगर विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, ये तो उसके प्रयोग पर निर्भर करेगा। ठीक, आगे देखते हैं।
उसने कुछ सोचा और छाते पर लगा सूरज का बटन दबा दिया। बटन दबाते ही बाहर जमी बर्फ पिघलने लगी। अब तक रिंपू यह समझ चुका था कि उसने किसी भी एक बटन को अधिक समय तक काम करने दिया तो लोगों की जान जा सकती थी। वह हर बार अलग अलग बटन दबाने लगा। उसके ऐसा करने से हर 5 मिनट में वहां का मौसम बदलने लगा था। कभी भयंकर गर्मी, कभी कड़कड़ाती सर्दी, तो कभी अंधाधुंध बारिश। टेलीविजन के हर चैनल पर उस शहर के मौसम का हाल आने लगा। पूरे शहर में भयंकर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। डिंपू को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह अपनी तरफ से स्थिति को काबू करने का पूरा प्रयास कर रहा था, पर वह इससे अधिक और कुछ नहीं कर पा रहा था। ऐसा करते करते रात से सुबह हो गई थी। रिंपू बार बार बटन दबाकर थक चुका था। दर्द के कारण अब उसके हाथ भी जवाब दे रहे थे। अब वह बटन दबाने के साथ साथ भगवान से भी प्रार्थना कर रहा था कि जल्दी से दादाजी आ जाए और सब ठीक कर दे। तभी रिंपू ने दरवाजे की ओर देखा, वहां उसके दादाजी सच में खड़े थे। टेलीविजन पर आने वाले समाचारों को देख वे समझ गए थे कि किसी ने उनके आविष्कार का गलत प्रयोग किया है, इसलिए वे जल्दी लौट आए थे। दादाजी को सामने देख रिंपू अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा। क्षमा मतलब माफी। दादाजी ने रिंपू के हाथ से वह छाता लिया और उसके सिरे पर बने बटन को दबा दिया। उनके ऐसा करते ही मौसम स्थिर हो गया। दादाजी ने मौसम को स्थिर करने के लिए क्या किया? छाता लिया, उसके सिरे पर बने बटन को दबा दिया। ठीक, यह देख रिंपू ने चैन की सांस ली और वह दादाजी के गले लगकर जोर से रोने लगा। रिंपू दादाजी से बोला कि वह समझ गया है कि उसे इस कमरे में आने से क्यों मना किया जाता था। साथ ही वह यह भी समझ गया है कि उसकी एक गलती के कारण आज कितने लोगों की जान जा सकती थी। आज उसे स्पष्ट हो गया कि विज्ञान कैसे वरदान के स्थान पर अभिशाप भी बन सकता है। रिंपू को इस प्रकार पश्चाताप करता देख दादाजी ने उसे अपने गले से लगा लिया। उन्होंने रिंपू को बताया कि अभी यह यंत्र पूरी तरह बनकर तैयार नहीं है, अभी इसमें तापमान को नियंत्रित रखने वाले मीटर को लगाने की आवश्यकता है। मैंने मीटर को बनाने वाला सामान विदेश से मंगवाया था। कल वह सामान दिल्ली पहुँच गया था। मैं उसे ही लेने गया था। जल्द ही मैं इसे छाते को ऐसा बना दूंगा कि यह हमारे नियंत्रण में रहे, पर इसके बाद भी यह हमारे लिए वरदान बनेगा या अभिशाप, यह उसके प्रयोग पर निर्भर करेगा। इस बार रिंपू अपने दादाजी की बातें ध्यान से सुनने के साथ साथ समझ भी रहा था। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब मैं इसकी क्वेश्चन वो सेंड करती हूँ, PDF क्वेश्चन आंसर का, तो आप अपनी फेयर कॉपी में लिखिएगा।